नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उन काव्यांशों को पढ़ने जा रहे हैं जिन काव्यांशों में कवि ने फाल्गुन और चैत्र के महीने में नागमती द्वारा अनुभूत मर्मांतक विरह पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। तो चलते हैं विद्यार्थियों काव्यांश की व्याख्या की तरफ। फागुन पवन झंकोरे बहा चोगुन सिउ जाई किमी सहा तनजस पियर पात भा मोरा विरह न रहे पवन होई छोरा तरिवर झरे झरे बन डांखा भई अनपत फूल फर साखा करिन्ह बनाफत किन्ह हुलासु मोकह भा जग दून उदासु फाग कर ही सब चांचर जोरी मोही जिय लाई दिन ही जसी होरी जो पे पिय ही जरत अस भावा जरत मरत मोहि रोस न आवा रातिहु देवस इहे मन मोरे लागो कंत छार जेऊ तोरे यह तन जारो छार के कहों के पवन उड़ाए मकुते ही मारग होई परो कंत धरे जह पाँव। तो संदर्भ हमारा पूर्वत ही रहेगा विद्यार्थियों की प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फाल्गुन के महीने में अनुभूत नागमती द्वारा मर्मांतक विरह पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। जहाँ फाल्गुन के महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जाती है, किंतु नागमती को सारी दुनिया उदासी से भरी लगती है। तब वह आकांक्षा करती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूँ और यह राख उड़कर प्रिय के पैरों तक जा पहुँचे। जायसी ने इन पंक्तियों में इन्हीं भावों को अभिव्यक्त किया है। फागुन पवन झंकोरे बहा चोगुनु सिउ जाई किमी सहा। नागमती कहती है कि फाल्गुन के महीने में हवा के तेज झोंके चलने लगे हैं, शीत चार गुना बढ़ गया है जिसे सहन करना कठिन हो रहा है। तनजस पियर पात भा मोरा विरह न रहे पवन होई झोरा। इस महीने में पतझड़ होने लगता है तो इधर मेरा शरीर भी पतझड़ के पीले पत्ते की तरह नीरस शुष्क और पीला पड़ गया है और ऊपर से यह जो विरह रूपी पवन है वह इसे झकझोर रहा है। तरिवर झरे झरे बन डांखा भई अनपत फूल फर साखा। तो पतझड़ के महीने में क्या होता है, सभी जो वृक्ष हैं उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। तो नागमती कहती है कि तरिवर झरे कि सभी जो वृक्ष हैं उनके पत्ते झड़ रहे हैं और जो ढाक के वन हैं वो भी पत्तों से रहित हो गए हैं। भई अनपत जो भी पत्तों से रहित हो गए हैं फूल फर शाखा, अब बसंत ऋतु आने पर उन पर नवीन फूल और फल उन शाखाओं पर आ गए हैं। करिन्ह बनाफति किन्ह हुलासु, इस प्रकार नए फूल और फल आ जाने से जो वनस्पति है वह इस मौसम में उल्लास करती हुई प्रतीत होती है। मोकह भा जग दून उदासु, नागमती कहती है वनस्पतियां तो उल्लसित हो गई है किंतु मैं क्या करूं, मेरे लिए तो संपूर्ण संसार में दुगनी उदासी नजर आ रही है। फाग कर ही सब चांचरी जोरी मोही जिय लाई दिन जसी होरी, मेरी सभी सखियां समूह बनाकर नाच गा रही है, फाग खेल रही है, होली का त्यौहार मना रही है, किंतु मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे शरीर में ही होली की ज्वाला जला दी हो। जो पे पिए ही जरत असभावा जरत मरत मोहि रोसन आवा, नागमती कहती है यदि इस प्रकार जलकर मर जाना ही मेरे प्रिय को अच्छा लगता है तो मैं विरह की ज्वाला में जलकर मर जाऊंगी और मुझे तनिक भी रोष तनिक भी आक्रोश या क्षोभ नहीं होगा। रातिहु देवस इहे मन मोरे लागो कंत छार जेऊ तोरे, कि दिन रात मेरे प्राणों में तो एक ही रट लगी रहती है कि मैं कैसे भी अपने प्रिय से मिल पाऊँ, तो यदि जलकर मर जाने पर मेरी राख प्रिय से मिलन कर पाती है तो भी मुझे संतोष होगा।
यह तन जारू छार के कहूं के पवन उड़ाए, मकुते ही मारक हुई परु कंत धरे जह पाव। तो विरहिणी नागमती अपनी इसी आकांक्षा को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना दूं और फिर पवन से अनुरोध करूं कि वह इस राख को उड़ाकर ले जाए। मकुते ही मारग हुई परो कंत धरे जह पाओ, कि शायद पवन के उड़ा ले जाने पर वह राख उस मार्ग पर गिर पड़े जहाँ पर मेरे प्रिय अपने पैर रखते हो। कहने का आशय है कि नागमती जीते जी नहीं तो मरने के उपरांत भी अपने प्रिय से मिलन करना चाहती है, और इस प्रकार वह चाहती है कि मरने के पश्चात भी अगर मेरा प्रिय से मिलन हो पाता है, मेरी राख प्रिय के चरणों को स्पर्श कर पाती है, तो भी मुझे संतोष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ विशेष की बात करें विद्यार्थियों, तो वही विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद है, जहाँ 7 चौपाइयों के पश्चात हमें दोहे का क्रम देखने को मिल रहा है। अलंकारों की अगर हम बात करें तो तन जस पियर पात भा मोरा, जहाँ पर जो शरीर है वह पत्ते के समान पीला पड़ गया है, यहाँ हमें उपमा अलंकार देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार मोही तन लाई दीन हजस होरी, कि मेरे तो शरीर में ही जैसे किसी ने होली जला दी हो, हमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग देखने को मिल रहा है। और ये जो नागमती की आकांक्षा है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और पवन से अनुरोध करूं कि इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर गिरा दी जहां मेरे पति अपना पैर रखते हों, तो इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय के प्रति सात्विक प्रेम की व्यंजना बताया है। भाव वैसाख तपनी चैत वसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजारी, पंचम विरह पंच सर मारे, रक्त रोई सगरो वंढारे, बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ टेसु बन राता, मोरे आंब फरे अंब लागे, अब हूँ संवरी धर आउ सभागे, सहस भाव फूली बनफती, मधुकर फिरे संवरी मालती, मोकह फूल भये जस कांटे, दिष्टि परत तन लाग ही चांटे, भर जो बुन इहु नारंग साखा, सोवा बिरह अब जाइन राखा, घिरिन परेवा आव जस आई पर हु पिय टूटी, नारी पराए हाथ है सु बिन पावन छूटी। प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने चैत्र के महीने में रानी नागमती की विरह वेदना को प्रस्तुत किया है कि चैत्र के महीने में विरहिणी कैसा अनुभव कर रही है। संदर्भ हमारा पूर्वत ही है, चैत वसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजारी। नागमती कहती है कि अब चैत्र का महीना आ गया है, चारों ओर वसंत ऋतु की धमा चौकड़ी मची हुई है, किंतु मेरे लिए तो यह सारा संसार उजड़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है। पंचम विरह पंच सर मारे, रक्त रोई सगरोवन ढारे। वसंत की इस उद्दीपक ऋतु में जो कोयल है वह पंचम स्वर में बोल रही है, और कोयल की यह कूक मुझे कामदेव के बाणों के समान हृदय को बेधती हुई लग रही है। पंचम विरह पंच सर मारे, पंच सर यहाँ कामदेव के बाण के लिए आया है कि कोयल की यह कूक कामदेव के बाणों के समान हृदय को बेधती हुई लगती है। कहने का आशय है कि जो कोयल की कूक है वह नागमती के हृदय को कामोदीप्त कर रही है, और वह प्रिय से जल्दी मिलने की आकांक्षा व्यक्त करती है। रक्त रोई सगरोवन धारे, नागमती कहती है मेरी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं, जिसमें रंग कर वन के सभी वृक्षों के पत्ते लाल हो गए हैं, बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, कि उस रक्त में रंग कर डूब कर सभी वृक्षों के पत्ते लाल हो गए हैं। भीजी मजीठ टेसु बन राता, और ये जो मजीठ और टेसु के फूल भी इसी कारण लाल दिखाई दे रहे हैं। मोरे आंब फरे अंब लागे, हे प्रिय आम के जिन वृक्षों पर पहले बोर आ गए थे अब वे फलों से भी लत गए हैं। अब हूँ संवरी धर आओ सभागे, हे सौभाग्यशाली प्रियतम अब तो घर लौट आओ। सहस भाव फूली बनफती, मधुकर फिरे संवरी मालती, वनस्पतियां फूलों से लत गई है,
और जो भंवरे हैं वे भी मालती लता का स्मरण कर उसके चारों ओर आकर मंडराने लग गए हैं। मोकह फूल भय जस कांटे, दिस्टी परत तन लाग ही चांटे। इस सुहावने मौसम में भी मेरे लिए तो फूल भी कांटों के समान प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ही मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है तो शरीर में चींटियां से काटने लगती है। कहने का आशय है कि प्रकृति की वे समस्त वस्तुएं, प्रकृति के वे सभी दृश्य जो हमें संयोग काल में सुखदायी प्रतीत होते हैं, वही विरह काल में हमारे लिए, वियोग के अवस्था में हमारे लिए दुखदायी और दाहक बन जाते हैं। तो यहाँ हमें प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप देखने को मिल रहा है। भर जोबन एहू नारंग साखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। नागमती कहती है कि इस शरीर रूपी वृक्ष में यौवन नारंगी की भांति फल गया है, किंतु विरह रूपी तोते से इसकी रक्षा कर पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा। भर जोबन एहू नारंग साखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। कि इस शरीर रूपी वृक्ष में यौवन नारंगी के भांति फल गया है, किंतु विरह रूपी तोते से इसकी रक्षा कर पाना अब संभव प्रतीत नहीं हो रहा। तो हे प्रिय, घिरिन परेवा आओ, तुम किसके समान आओ? घिरिन परेवा आओ, जिस आई परहु पिय टूटी, नारी पराए हाथ है तुम बिन पावन छूटी। अतः आपसे अनुरोध है प्रिय कि आप परेवा यानी कबूतर, आप गिरहबाज कबूतर की भांति आकर एकदम से टूट पड़ो और इस स्त्री रूपी पक्षी की विरह रूपी दुष्ट बाज से रक्षा करो। भाव यह है कि विरह के चंगुल में फंसी अपनी पत्नी की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए शीघ्र लौटकर आ जाओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। घिरीन परेवा आओ, जस आय परहु पिय टूटी, कबूतर की भांति आकर तुम एकदम से इस पर टूट पड़ो। नारी पराए हाथ है तुम बिन पावन छूटी, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे प्राणों की रक्षा संभव नहीं है। विरह की हम बात करें विद्यार्थियों, तो वही विप्रलम्ब श्रृंगार रस, अवधि भाषा और दोहा चौपाई छंद है। अलंकारों में हम देखें विद्यार्थियों, तो दिस्टी परत जिस लागे चांटे, यहाँ हमें उदाहरण अलंकार देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार भीजी मजीठ टेसु बन राता, जहाँ पर मजीठ और टेसु के फूलों का रंग लाल होने का कारण नागमती ने ये बताया है कि मेरे नेत्रों से जो रक्त बह रहा है उसी के कारण इन फूलों का रंग लाल है। तो कारण न होने पर भी जिसे कारण बताया जाए वहाँ पर हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी अहेतु को हेतु मान लिया जाता है, वहाँ हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी प्रकार सुआ विरह में हमें रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है और फरी जोवन भर जोबन एहु नारंग शाखा में हमें रूप का अतिशोक्ति अलंकार देखने को मिल रहा है। रूप का अतिशोक्ति अलंकार विद्यार्थियों वहाँ होता है जहाँ उपमेय का कथन न कर केवल उपमान का ही कथन किया जाता है और उपमान से ही उपमेय का अर्थ भी ले लिया जाता है। तो इस प्रकार अलंकारों की दृष्टि से हमने देखा कि उदाहरण अलंकार, रूपक अलंकार, रूप का अतिशोक्ति और हेतु प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य यहाँ विद्यमान है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।